Every child's success story starts here. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है मालदेव पल्ली पीएस लिमिट से, जहां पर पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ। एक इंसान को 8 लोगों ने पीटा, तो एक इंसान के ऊपर 8 लोगों ने टूट पड़े और उसको जख्मी कर दिया। मार खाने वाले साहब का नाम है जवाद, जो कि पार्किंग कर रहे थे। वहीं पर कुछ लोगों ने एतराज़ जताया और जवाद के ऊपर हमला किया। तो बहरहाल अभी जवाद साहब जो है शदीद जख्मी हैं और हुकूमत से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। पार्किंग को लेकर हमारे शहर में हर आड़े दिन झगड़े होते हैं, इसकी वजूहत क्या है? क्या ये हुकूमत का काम नहीं है कि एक पार्किंग प्लेस हर जगह बनाए, जहां पर आप अपनी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर को आसानी से पार्क कर सकें? हर आड़े दिन एक ना एक झगड़ा ज़रूर होता है पार्किंग को लेकर। वैसे शायद अभी हमारे हुकूमत का दिमाग यानी हमारी हुकूमत की अभी तवज्जो नहीं रही पार्किंग को लेकर, क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारी स्टेट की पुलिस जो है चालानत मारने में मसरूफ़ है। जब चालानत का सिलसिला शायद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पार्किंग के ऊपर भी शायद ये तवज्जो देंगे। तो बहरहाल आइए मारदेवपल्ली पीएस से खबर हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम आरामगढ़ पे हम लोग गाड़ी लगाए थे, गाड़ी ले हटा बोल के हटा दिए हम लोग, फिर उन लोग आके मारे। कौन मारे? अशोक अन्ना के बेटे को बुलाए थे हम, 8-10 जनों को बुला के लेके आके मारा। वही क्यों लड़ाई क्यों हुई? वो गाड़ी के तरफ से तूफान गाड़ी हम लोगों की थी, पीछे हटा हटा बोल के दो गाड़ी की लगने की जगह थी, उसको रबर से घस ले रहा था। हमारे मोहम्मद जहांगीर है मेरा नाम, अच्छा भतीजा होना है। गाड़ी के पास लगा तो उसने गाड़ी हटाओ बोल के खाली पीली आके समझो गाड़ी ने निकाले, उसने मार दिया बच्चे को। तो बाद में से एक 8-10 जने को बुला के ले गया कि समझो हम लोग पूरा लड़े होने के बाद छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद में से फिर 8-10 जने को ले लेके आगे। अशोक अन्ना का बेटा प्रसाद। लड़ाई कहाँ हुई? आरामगढ़ पे हुई है। मुझे गाड़ी के बारे में ऑलरेडी पीछे दो गाड़ियाँ भी ठहर सकते हैं वहाँ पे, पीछे लोगों बोल के बोला नहीं नहीं तुम निकाल गाड़ी तेरे साथ, फिर गाड़ी को फिर तेरे को मार दे तुम बोल के बोल दिया ऐसा। तो हम हाँ वो उसकी गाड़ी बाद में है, इसकी गाड़ी हाँ गाड़ी हटाओ बोल के मारने के बाद से अपने को आगे ले बोल के बोला। तो बच्चा मेरा बेटा है साथ में, दोनों की समझ बैजम्बैजी हो गई, दोनों वहाँ पे लड़ लिए, दोनों गिर गए वहाँ पे। मैं गया बीच में छुड़ाने के वास्ते, यहाँ आ गई वहाँ से मारा बोल के बोलो नहीं गाड़ी निकालो बोल के बोले, तो नहीं निकाला गाड़ी इसलिए बोल के मारा नहीं बोल के बोले। तो फिर बाद में से गया बच्चा क्या मालूम अम्मा को गाली दिया कौन अचोक ना का बेटा, तो बच्चा क्या करा मालूम है ढकल दिया है बच्चा। तो वहाँ फ़ोन करके 8-10 जन को बुलाए, बुला के बच्चे को मारे बोल मारने के बाद से पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आ गए बाद में से पीएस को ले लिया गया यहाँ पे। पीएस को लाने के बाद अंदर ये मारदेवी पल्ली ले लिया गया, लेके आने के बाद दोनों सामने अपोजिट प्रसाद कुछ हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट कराए। कराने के बाद में से क्या मालूम अंदर जाके केस बुक कराए बोल के बोले, गए केस बुक कराए, कराने के बाद घर को जाओ बोल के बोले। अभी तक अच्छे नहीं लिए पुलिस कुछ भी। बस कंप्लेंट कहाँ दी है? देवर क्या है? देवर पल्ली है, मारदेवी पल्ली है। जो मारा उसका नाम प्रसाद है, उसके बाद में उसके मामू भी बुला, मामू है या कौन है कि सीनू बोल के मिसालू सीनू चिचा होना है। वो 8-10 जनी मिल के आए बच्चे को समझो अटैक करे दोनों, हाँ मिसालू सीनू बोल के है उन्हें बच्चे को अटैक करा। बाद में से पीएस को है, पीएस को आने के बाद से हॉस्पिटल को लेके गया, लेके आने के बाद में से यहाँ पे केस करो बोल के बोलो केस करे। बाद में से फिर अभी तक पुलिस कुछ भी अच्छे नहीं लिए, उस्मानिया को नहीं भेजे बोलो, उस्मानिया को जिंगे बोल के हम लोग तो नहीं यज करे बोलो चिटमेट, हाँ बोले गया ना उस्मानिया को। अभी बच्चे को बहुत दर्द है, हड्डी फ्रैक्चर हो गए वो लोगों की, तो बहुत बुरा राड लेके मार दिए वो लोग, और उस्मानिया को जो बोल के बोले तो हम लोग यज ट्रीटमेंट करे बच्चे को समझे। अभी ना सर हम लोग पकड़ के ठहरे हुए, तबीयत पूरी ये है लो है पूरी, हुकूमत से जा रही है, बस इंसाफ चाह रहे हम लोग। बस वो लोग 8-10 जने थे वो लोग, हाँ मिसाल सिनू है उसका नाम, अशोक अन्ना का बेटा है प्रसाद, और वो क्या है कि वो और 6-7 जने वो लोगों का नामा नहीं मालूम, पूरे अड्डे पे रहते आरामगढ़ पे रहते पूरे, तो वाना चलाते पूरे वो लोग, हाँ दादागिरी भी बहुत कर रहा हूँ। इससे पहले खाली ऐसे ही करता था, लेकिन अभी ये तो
भी बच्चे के साथ में घस लेते रहते थे, बच्चा सामने गाड़ी लगा तो हटाओ हटाओ बोल के बोलते थे, पूरे बच्चा भरनी नहीं देते, कुछ भी नहीं, बच्चे को खाली पी के समझो आगे लगाओ बोल के बोलते थे। उससे पहले भी थोड़ा बहुत भैंस हो गई थी, बोले अब दुश्मन निकाल के मारे थे। बोलो ECP से, फिर DCP से, कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, बच्चा रोज कमाना तो खाना है, घर चलना बहुत मुश्किल है, उस तो भी इंसाफ करो आप। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ। मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए मोहम्मदिया मंदी हाउस। तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद। 9701806623।